हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले तीन बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से निकल के आ रही है। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक देखिए। आप भी दिल्ली कैपिटल्स टीम के फैन हैं और आप भी चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम IPL 2022 की ट्रॉफी जीत जाए, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको दिल्ली कैपिटल टीम से जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं पहली बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में। तो एक गुड न्यूज़ निकल करी दिल्ली कैपिटल्स टीम के शानदार लेग स्पिनर कुलदीप यादव की तरफ से। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुलदीप यादव ने अब तक IPL 2022 में बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है। तो हम आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने अब तक IPL 2022 में 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें शानदार की इकनॉमी से 20 विकेट ले लिए हैं। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि वो दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। तो हम आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने अब तक IPL के इतिहास में एक सत्र में 20 विकेट नहीं लिए थे, लेकिन हम आपको बता दें कि IPL 2022 में उन्होंने पहली बार 20 विकेट लिए हैं, जो कि कुलदीप यादव के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों वहीं बात की दूसरी बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिचेल मार्श ने अब तक IPL 2022 में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें मिचेल मार्श IPL 2022 के शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेलते हुए दिखे थे, लेकिन हम आपको बता दें कि जब से वो दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से खेले हैं तब से उन्हें हर मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी है। तो हम आपको बता दें कि मिचेल मार्श ने अब तक IPL 2022 में सिर्फ 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें शानदार की बैटिंग की औसत से लगभग 250 रन बना लिए हैं। इसी की बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स टीम चाहेगी कि मिचेल मार्श आने वाले सही मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी करे, ताकि वो दिल्ली कैपिटल्स टीम को IPL 2022 की ट्रॉफी जितवा दें। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं तीसरी बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अब ये कन्फर्म हो चुका है कि हमें पृथ्वी शॉ IPL 2022 के मुकाबलों के लिए खेलते हुए देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले मुकाबले में पृथ्वी शॉ की जगह हमें सरफराज खान दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखे थे, जिसमें हम आपको बता दें कि सरफराज खान ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी थी। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगले मुकाबले के लिए हमें पृथ्वी शॉ देखने को मिल सकते हैं, इसी बात को देखते हैं मेरे मुताबिक हमें ललित यादव की जगह सरफराज खान खेलते हुए देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि सरफराज खान बहुत ही शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इसी बात को देखते हैं मेरे मुताबिक मानना है कि हमें सरफराज खान को खिलाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक IPL 2022 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में।